आपके स्पेसशिप के बाहर कोई मॉन्स्टर है। अगर कोई आपके स्पेसशिप के दरवाजे पर नॉक करे तो आप दरवाजा खोलेंगे? एस्ट्रोनॉट्स के शरीर के एलियंस म्यूटेट होकर उन्हें अंदर से खा रहे हैं। आपके शरीर से एलियन बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते हुए वो आपको खा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक क्रिएचर्स जो इलेक्ट्रिक प्लैनेट से हैं। सबसे पहले वो किस चीज की तरफ जाएंगे? क्या हमारे पावर ग्रिड्स उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दावत साबित होगी? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। पंद्रह अक्टूबर 2003 योंग लीवे पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुने गए हैं। जब कोई देश पहली बार स्पेस में अपने लोगों को भेजता है तो ये बहुत सम्मान की बात होती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, काम बहुत मुश्किल भी है। ऐसे मिशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये एक सोलो मिशन होगा। योंग ऊपर पूरी तरह से अकेले होंगे, ऐसा सब सोच रहे हैं। स्पेस में अकेले जाने का प्रेशर बिल्कुल अलग तरह का है। मर्क्यूरी प्रोग्राम के बाद अमेरिकन्स भी कभी अकेले स्पेस में नहीं गए। वो अपने देश का पहला एस्ट्रोनॉट है जिसे एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर स्पेस में भेजा जा रहा है जिसे कभी टेस्ट नहीं किया गया। उसे डर तो बहुत लगा होगा। वो इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं लगा। यांग ने इनर मंगोलिया की रॉकेट साइट से उड़ान भरी। रॉकेट लॉन्च करना बेहद जोखिम वाला काम है क्योंकि लॉन्च के दौरान कुछ भी हो सकता है। एक रॉकेट मोटर और एक बम में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस रॉकेट मोटर के पीछे होल बना होता है। जी फोर्स की वजह से एस्ट्रोनॉट्स अपनी सीट में जैसे धस जाते हैं। पूरी शिप हिल रही होती है, बहुत शोर होता है। लॉन्च के दौरान जो एहसास होता है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पेट में गड़गड़ाहट सी होती है, जैसे कोई शरीर के अंदर बैठकर उसे पीट रहा हो। आप उस पावर को फील कर सकते हैं। आंख कान सब कुछ पूरी तरह चौकन्ने जाते हैं। पूरे शरीर में एड्रेनलिन दौड़ता है, हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, लगातार ट्रेनिंग याद आती है। और फिर एस्ट्रोनॉट्स को गुजरना पड़ता है ब्लैक जोन्स में से, जिन्हें पार करते हुए अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 10 मिनट बाद योंग पृथ्वी से 338 किलोमीटर ऊपर है, पूरी तरह से अकेले। उन्हें यकीन है कि स्पेस में वो अकेले हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि यांग को कितनी राहत महसूस हुई होगी जब रॉकेट इंजन बंद हो गए और शिप ने हिलना बंद कर दिया और वो सही सलामत ऑर्बिट में पहुंच गया। इंजन बंद होने के बाद माइक्रोग्रेविटी का एहसास होना शुरू होता है, वो फ्लोट करने लगता है और उसके बाद बस एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। अंतहीन खाली स्पेस में चारों तरफ खामोशी है। योंग इस वक्त दुनिया के सबसे अकेले इंसान हैं। यांग अपने काम की तैयारी कर रहा था जिसे उसे पृथ्वी पर वापस जाने से पहले पूरा करना था, और एक अजीब सी बात हुई। अचानक उसे खटखटाने की आवाज सुनाई थी। ऐसा लगा कि कोई नॉक कर रहा है उसके दरवाजे पर। स्पेस में इतनी जोरदार आवाज सुनकर कोई भी तुरंत डर जाएगा। मैं इमेजिन कर सकती हूँ उसे उस वक्त कितना डर लग गया होगा, ये सोच कर कि कहीं कोई चीज कैप्सूल से टकराई तो नहीं, या कुछ ऐसा हुआ जो उसकी समझ से बाहर है। आवाज सुनकर योंग दंग रह गए। उस पर यकीन करना मुश्किल था। सबसे पहले दिमाग में आएगा इंस्ट्रूमेंट पैनल को चेक करना, ये चेक करना कि कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं या कंप्यूटर ने मैलफंक्शन डिटेक्ट किया है। स्पेसक्राफ्ट का बाहर वाला लेयर निकल तो नहीं रहा है। शिप की सारी रिकॉर्डिंग नॉर्मल है, ना ही कहीं लीक है, ना प्रेशर कम हो रहा है। और तभी अचानक उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई दी। बाकी सारी थ्योरीज नकारने के बाद उन्हें बेहद अजीब और डरावनी पॉसिबिलिटीज का सामना करना होगा। क्या बाहर कोई है जो अंदर आना चाहता है?
कैप्सूल के बाहर का तापमान -235 डिग्री है। बाहर ऑक्सीजन नहीं है। कोई इंसान बिना सूट पहने अगर कैप्सूल से बाहर निकला तो त्वचा के अंदर गैस के बुलबुले बनने से उसके शरीर का आकार फूल कर दो गुना हो जाएगा। हम बस एक ऐसे क्रिएचर को जानते हैं जो इन हालात में जिंदा रह सकता है, एक छोटा सा अजीब जीव जिसका नाम है टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स एक्चुअली अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करते हैं जो ऑक्सीजन की कमी को जूझने में उनकी मदद करता है। लेकिन टार्डिग्रेड्स नॉक नहीं करते, कम से कम वो नहीं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उसने सोचा होगा, अरे बाहर क्या हो सकता है। उसने खिड़की से बाहर देखा, क्या उसे बाहर कोई चेहरा दिखेगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बाहर कुछ था ही नहीं। ये और भी डरावनी बात थी। क्या ये उसके दिमाग का वहम था जिसे हम स्पेस मैडनेस कहते हैं, जो अक्सर एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है। उसके दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा होगा। ऐसी सिचुएशंस में अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल ना कर सकें तो दिमाग भटक जाता है। 1976 में कॉस्मोनॉट्स बोरिस वोलिनोव और विटैली ज़ोलोबोव सैल्यूट 5 स्पेस स्टेशन पर 49 दिनों से रह रहे हैं। दोनों कॉस्मोनॉट्स ने कहा उन्हें स्टेशन पर अजीब सी स्मेल आ रही है और उन्हें डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये बात परेशान करने वाली थी। ग्राउंड कंट्रोल जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई है? क्या स्टेशन पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन में खराबी है? इससे पहले कि रोसकॉस्मोस प्रॉब्लम का पता लगाए, ज़ोलोबोव की बेचैनी तेजी से बढ़ने लगी। मिशन अबॉर्ट किया गया और कॉस्मोनॉट्स को वापस पृथ्वी पर लाया गया। लेकिन जब इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट की जांच की तो उन्हें कोई गड़बड़ नहीं मिली। फिर कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई जिसमें लिखा था कि शायद स्पेस में रहने वाले कॉस्मोनॉट्स के दिमाग पर असर हो सकता है। ये मान लिया गया कि वो अजीब सी गंध और कुछ नहीं बल्कि इन कॉस्मोनॉट्स के दिमाग का खेल था। अगर आप काफी अरसे से स्पेस में हैं और अगर दिमाग को सोचने की छूट दें तो आप किसी आवाज को या किसी स्मेल को इमेजिन कर सकते हैं। हर स्पेस एजेंसी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि स्पेस ट्रेवल का इंसानी दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। हम पृथ्वी पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, लोगों को छोटी सी बंद जगह में लंबे समय के लिए रखा गया है ये देखने के लिए कि वो आपस में कैसे पेश आते हैं। 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 110 दिन चलने वाले साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए मॉस्को के आइसोलेशन चेंबर में प्रवेश किया, ये देखने कि इंसानों पर स्पेस में रहने और काम करने का क्या असर होता है। इसके नतीजे कुछ खास नहीं थे, ये रूममेट्स के साथ रहने जैसा है, बस आप उनसे दूर नहीं जा सकते। आई थिंक पहले उनमें बहस हुई, उसके बाद उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, एक दूसरे को मारने लगे। हालात काफी बिगड़ गए। उस चेंबर की दीवारों पर खून लगा था। क्या ये पॉसिबल है कि यांग इसी तरह की स्पेस डिमेंशिया से गुजर रहा हो और शायद इसीलिए उसे आवाज आ रही हो? लेकिन योंग को स्पेस में एक दिन भी नहीं हुआ है, उसे स्पेस डिमेंशिया होने के लिए इतना वक्त काफी नहीं है। देखिए, यांग को मैं काफी सालों से जानता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो दिमागी रूप से फिट है। अगर उसने कहा है कि उसने आवाज सुनी थी तो उसने जरूर सुनी होगी। योंग इस बात से वाकिफ है कि चीन उसके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पर कितनी बारीकी से नजर रखता है, इसीलिए मिशन कंट्रोल से बात करते समय वो बिल्कुल शांत रहा। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और आप फिर से स्पेस में जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और किससे। योंग जानता है कि नॉकिंग की आवाज असली है, लेकिन उसने चेहरे पर डर दिखने नहीं दिया। वो पिछले 21 घंटों से स्पेस में अकेला है और इस दौरान नॉकिंग की आवाजें जारी हैं। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती है और ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। अब योंग का आखिरी टेस्ट है वापस लौटना। अगर आप बौखला गए तो आप क्या करेंगे? आप स्पेस में हैं। वो अपने शिप को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस लाने की कोशिश करता है 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से।
आप इतनी तेज रफ्तार से जा रहे हैं कि बाहर की हवा आयोनाइज होने लगती है और इससे गर्म प्लाज्मा तैयार होता है और इस प्लाज्मा का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस होता है। पैराशूट खुलने के बाद उसके शिप की रफ्तार धीमी हुई, लैंडिंग रॉकेट शुरू हुए और राहत की बात ये कि आखिरकार उसका शिप इनर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में सही सलामत उतर गया। योंग को डर था कि लोग उसे पागल या मानसिक रूप से कमजोर समझेंगे, इसीलिए कैप्सूल से निकलने के बाद उसने उस आवाज के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद आवाज का राज जानने के लिए बेताब था। उसने सोचा होगा कि ये किसी तरह का थर्मल इफेक्ट होगा। जब कोई स्पेसशिप पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो उसकी बाहरी सतह को तापमान में होने वाले जबरदस्त बदलाव से गुजरना पड़ता है, सूरज की तेज रोशनी से लेकर अंधेरी में बर्फ से ठंडी टेम्परेचर तक। इसीलिए जब तक आप स्पेसशिप को गोल नहीं घुमाते आप टेम्परेचर ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे सिख कबाब को आग पे लगातार घुमाना। योंग ने अपने लैब में चुपचाप टेस्ट करने शुरू किए। तो उसने कुछ मटेरियल्स लिए जो उसके शिंजू 5 स्पेसक्राफ्ट से थे और उन्हें अलग अलग तापमान पर गर्म करने की कोशिश की और ठीक वैसा ही माहौल तैयार किया जिसमें उसका स्पेसक्राफ्ट गुजरा था। लगातार कई साल बार बार प्रयोग करने के बावजूद और क्राफ्ट के मटेरियल पर हर तरह का दबाव डालने के बाद भी वो उस दस्तक जैसी आवाज पैदा करने में नाकाम रहा। अगर कोई इंजीनियर किसी चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो उसे बहुत बेचैनी होती है। आखिरकार योंग ने प्राइवेटली उसके बाद शेंजो मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को उस आवाज के बारे में बताया। उसे जवाब चाहिए था, इसलिए उसने स्पेस में जाने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को इस आवाज के बारे में बताया। उनके जवाब सुनकर वो दंग रह गया। उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी। अब सवाल ये है कि सारे एस्ट्रोनॉट्स को वही आवाज क्यों सुनाई थी? वो आवाज किस चीज की थी? क्या वो आवाज उसी टाइप के स्पेसक्राफ्ट से आती है या बाहर कोई था जो शायद अंदर आने की कोशिश कर रहा था? कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रिक दुनिया के जीव पृथ्वी पर आ गए दो ऐसे जीव जिनका जन्म इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है। वो इलेक्ट्रिसिटी पर जीते हैं और प्योर पावर खाते हैं, जिनकी बनावट ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी को बदलकर मनचाहा रूप दे सकती है ताकि उसका इस्तेमाल बचाव और हमले के लिए किया जा सके। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, कम से कम तब तक थी जब तक नासा ने टाइटन के टीलों पर एक हैरत अंगेज खोज नहीं की। आखिर कौन सा मॉन्स्टर रेत के इन पहाड़ों को हिला सकता है? 30 जून 2004, नासा का कैसिनी प्रोब सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया है। ऐसा करने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट है और इसके अलावा ये प्लैनेट के सबसे बड़े मून का अभ्यास करने वाला पहला प्रोब है, सबसे शानदार और रहस्यमय टाइटन का। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में टाइटन ही शायद एक ऐसा है जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, समंदर है और बादल भी है, लेकिन इसके अलावा टाइटन पृथ्वी से बहुत अलग है। लगभग -150 डिग्री सेल्सियस में भला कौन जिंदा रह सकता है? ये जमी हुई दुनिया एक बेहद डरावनी जगह है। इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सिर्फ मीथेन और नाइट्रोजन है और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। टाइटन इंसानों के लिए नर्क जैसा होगा, लेकिन एक अलग तरह के जीव के लिए बिल्कुल परफेक्ट घर हो सकता है। वैसे तो यहाँ जिंदा रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन धरती वासियों के लिए नहीं। 2004 में नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन पहुंच गया। उसे वहां दूर तक फैला डेजर्ट दिखा जो इक्वेटर के रेतीले टीलों की तरह दिखता है और ये टीले स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितने ऊंचे हैं। पृथ्वी पर रेत के टीले होते हैं, रेत यानी सिलिका यानी पिसे हुए पत्थर, लेकिन टाइटन के टीले जमे हुए हाइड्रोकार्बन और कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। ये टीले जिंदा लगते हैं। हैरत की बात है कि ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो लॉजिक के खिलाफ है। जब साइंटिस्ट्स ने कैसिनी की मदद से इन टीलों का शेप देखा तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि सभी टीले एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, वो टाइटन पर वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। लेकिन जब हमने एटमॉस्फेयर मॉडलर्स की बात की, उन्होंने कहा टाइटन का एटमॉस्फेयर ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ता है।
तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये विशालकाय टीले वहाँ बहने वाली विंड से बिल्कुल उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? ये बात समझ से बिल्कुल बाहर है। आगे की जांच के लिए कसीनी ने हाइगेंस लैंडिंग मॉड्यूल को टाइटन की सतह पर भेज दिया। क्या वहाँ एटमॉस्फेयर के अलावा कोई दूसरी चीज है जो इन टीलों पर असर डाल रही है? साइंटिस्ट्स एक हैरत अंगेज नतीजे पर आ पहुँचे हैं। ये टीले इलेक्ट्रिसिटी से भरे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी टाइटन की जबरदस्त शक्तिशाली हवा से पैदा होती है। तेज हवा के दौरान ये हाइड्रोकार्बन्स के कण एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होते हैं और आपस में अट्रैक्शन भी, और इस आपसी अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़े रहते हैं जिससे तूफान के दौरान भी ये अलग होकर बिखरते नहीं। उस पूरे प्लेनेट पर बिजली लगातार चमकती रहती है। एक इलेक्ट्रिक प्लेनेट जो पावर से भरा है, इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स सतह को छू रहे हैं और पूरे ग्रह पर फैल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से टीले तैयार होना समझ में आता है, पर उनकी दिशा नहीं। आखिर कौन सी शक्ति इतने बड़े रेत की टीलों को इनकी नेचुरल दिशा के खिलाफ ले जा सकती है? एक बार फिर साइंटिस्ट एक अद्भुत निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर है। क्या ऐसा हो सकता है कि टाइटन की रेत में कुछ जीव रहते हों जो इन सैंड ड्यून्स को तूफान के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हों? पृथ्वी पर साइंस की बदौलत हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जीव किसी इलेक्ट्रिक प्लेनेट पर पनप सकते हैं। हाल ही में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ ऐसे जीव मिले जो टाइटन पर बहुत आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ये माइक्रोब्स हैं, ये चमकती हुई बिजली एब्जॉर्ब करते हैं और उसे एनर्जी में बदल कर खुद को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमें जो नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर जिंदा रहने वाला बैक्टीरिया, तो इसका मतलब यहाँ और न जाने कितनी तरह के जीव पनप सकते हैं। टाइटन की रेगिस्तान तो इन माइक्रोब्स के लिए दावत की तरह होगी। टाइटन तो एनर्जी से भरा हुआ है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनर्जी लेकर जिंदा रह सकता है, तब तो उसके पास खाने का भंडार है। वाकई ऐसे जीव होते हैं जो बिजली खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे बिजली खाने वाले माइक्रोब्स के मुकाबले टाइटन पर वो बहुत बड़े हो सकते हैं। टाइटन की जो बनावट है, उस हिसाब से तो वहाँ पर पनपने वाले जीव बहुत ही बड़े साइज के होने चाहिए। कई लेखक पहले ही इलेक्ट्रिक राक्षस की कल्पना कर चुके हैं जो बिजली सोख सकते हैं और बिजली की भूख मिटाने के लिए भटकते हैं और जो मन मुताबिक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने में ये साइंस की कल्पना लगती है, लेकिन अब नासा ने एक ग्रह खोज निकाला है जो इलेक्ट्रिक प्लैनेट लगता है, जहां इलेक्ट्रिक जीव रह सकते हैं, वो भी हमारे सोलर सिस्टम में। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा, बिजली से जगमगा रही एक दुनिया। यहाँ के टीले दिखने में प्राकृतिक लगते हैं और इनका निर्माण सतह को तबाह करने वाली जबरदस्त हवा ने नहीं किया है, बल्कि इसकी वजह रेत में रहने वाले वो विशाल जीव हो सकते हैं जो बिजली पर पनपते हैं। पृथ्वी पर मिले जीवों ने साबित किया है कि ऐसे जीव विकसित हो सकते हैं। पृथ्वी पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो बिजली पैदा करते हैं, ऐसे जीव जो टाइटन पर भी पनप सकते हैं। शरीर की बनावट के हिसाब से दुनिया की सबसे कामयाब प्रजातियों में से एक है नेमाटोड वर्म्स। नेमाटोडे वर्म्स एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे महासागर की गहराइयों में, वॉल्केनिक वेंट्स में। आपको पृथ्वी पर लगभग हर जगह से वर्म्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट पृथ्वी पर मौजूद हर 5 में से 4 जीव नेमाटोड वर्म्स हैं। ये हर जगह मौजूद हैं। आज आपने कुछ वर्म्स खाए भी होंगे। पर जो जीव पृथ्वी पर बेहद छोटे हैं, टाइटन के वातावरण में वे बेहद बड़े आकार के हो सकते हैं। अर्थ की ग्रेविटी यहाँ के जीवों को ज्यादा बड़ा नहीं होने देती, और यही वजह है कि यहाँ के तितली जैसे छोटे जीव भी ईगल जितने बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेविटी उन्हें छोटा बनाए रखती है। टाइटन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 7 गुना कम है, और इस वजह से अगर कोई जीव टाइटन पर इवॉल्व होता है तो वह पृथ्वी के जीवों के मुकाबले बहुत बड़ा हो सकता है। फ्रैंक हर्बर्ट नाम के एक राइटर की एक बहुत ही फेमस साईफाई नॉवल है जिसका नाम है ड्यून। उसमें एक प्लैनेट है जिसके रेगिस्तान में विशाल टीले हैं और उनकी रेत के नीचे बेहद बड़े बड़े कीड़े रेंगते हैं। टाइटन भी शायद वैसा ही एक प्लैनेट है।
किसी एस्ट्रॉइड के टुकड़े या किसी इन्फेक्टेड प्रोब के जरिए अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स स्पेस ट्रेवल करके टाइटन से पृथ्वी पहुंच गया तो क्या होगा? सबसे पहले वो किस चीज की तरफ जाएंगे? क्या हमारे पावर ग्रिड्स उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दावत साबित होगी? अर्थ पर अलग अलग तरह की वोल्टेज उनके लिए अलग अलग पकवान की तरह होगी। वो इलेक्ट्रिक सिस्टम से सारी ऊर्जा सोख लेंगे और हमें अंधकार में ढकेल देंगे। ड्रैगनफ्लाई टाइटन पर जाने वाला नासा का अगला क्राफ्ट हो सकता है। वो 2034 में वहां लैंड कर सकता है। और तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि टाइटन की डेट में क्या रहता है। हम नहीं जानते कि ये इलेक्ट्रिक जीव कैसे दिखते होंगे। October 25, 2016 नासा के साइंटिस्ट्स ने सोलर सिस्टम से पृथ्वी की ओर आ रहे एक एस्ट्रॉइड का पता लगाया। उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक इसकी पृथ्वी से टकराने की उम्मीद सिर्फ 2% थी। शुरुआत में यह टेलीस्कोप से टिमटिमाती हुई रोशनी जैसा दिख रहा था, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने बारीकी से इसकी स्टडी की तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। अगले 3 महीनों तक इस एस्ट्रॉइड पर नजर रखी गई और फिर जनवरी 2017 में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना अचानक बहुत बढ़ गई। इसकी ऑर्बिट की दिशा से साफ पता चल रहा था कि ये तेजी से अर्थ की ओर करीब आ रहा है। इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 60% थे। सूरज की वजह से ये एस्ट्रॉइड दिखाई नहीं दे रहा था और साइंटिस्ट इंतजार कर रहे थे। जब 2017 में वो वापस दिखाई दिया तो फिर एक बार कैलकुलेशंस की गई। फिर पता चला कि टकराने के चांसेस 80% हो गए हैं और फिर ये संभावना बढ़कर 100% हो गई। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा था और हम इससे बच नहीं सकते थे। जैसे जैसे एस्ट्रॉइड और करीब आ रहा था, शुरुआती मेजरमेंट्स के मुताबिक स्पेस के इस विशालकाय पत्थर का आकार 300 से 800 फुट तक का था। अब सवाल ये था कि ये पृथ्वी पर कहां टकराएगा। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स इसी पर नजर गड़ाए हुए थे। नवंबर 2017 में आखिरी जानकारी हाथ लगी। ये एस्ट्रॉइड 20 सितंबर 2020 को पृथ्वी से टकराएगा। उसके टकराने की जगह कहीं दक्षिणी कैलिफोर्निया में होगी। नासा और फीमा होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश में लग गए। अगर ये वाकई जमीन से टकराया तो सदर्न कैलिफोर्निया का सफाया हो जाएगा। क्या लॉस एंजलिस और आसपास के इलाकों को खाली करवाना चाहिए? प्रॉब्लम्स ये होती कि अगर हम चूक गए और इसकी ऑर्बिट की कैलकुलेशंस गलत साबित हुए तो हम लोगों को उल्टा खतरे वाले इलाके में भेज देंगे। साइंटिस्ट जानते हैं कि जब इस आकार का एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। लेकिन ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। ला इम्पैक्ट एक वॉर गेम सिनेरियो है जिसे ये देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि हम ऐसे हमले से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। जब कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट की धरती से टकराने की बात आती है तो सवाल होने या ना होने का नहीं है, सवाल है ऐसा कब होगा और क्या हम उसके लिए तैयार रहेंगे। 2008 में साइंटिस्ट ने हर साल पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले 20 ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया। 2018 तक ये संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 76 हो गए। ऐसा हो सकता है? हाल ही में हमारी पृथ्वी से टकराने आ रहे एस्ट्रॉइड की संख्या में हुई बढ़ोतरी से पृथ्वी पर मौजूद जीवन के सर्वनाश की संभावना भी बढ़ गई है। तब जो तबाही मचेगी उस जैसी तबाही इंसान ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। आसमान से किसी भी दिन मौत बरस सकती है। लेकिन हमारी ओर आ रहे एस्ट्रॉइड की संख्या अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है? एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में पता लगाया है कि हम ऐसे इलाके में प्रवेश करने वाले हैं जो विशालकाय एस्ट्रॉइड माइनफील्ड है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम असलियत में मिल्की वे के अंदर घूम रहा है। हमारा सोलर सिस्टम धीमी गति से इस ब्रह्मांड के मेले में लगे व्हील की तरह हमारी आकाशगंगा में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस हलचल के नतीजे बहुत डरावने हैं। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी 80% चीजें हम देख नहीं सकते। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक हमारी पूरी गैलेक्सी में एक पतली डिस्क फैली हुई है जो डार्क मैटर के पार्टिकल से बनी है। रिसर्चर्स का मानना है कि डार्क मैटर की इस डिस्क में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
जब हमारा सूरज गैलेक्सी में ऊपर नीचे जाता है तब वो डार्क मैटर वाले घने इलाकों से गुजरता है और शायद डार्क मैटर के इसी बैंड की वजह से ही एस्टेरॉयड और पत्थर हमारी ओर फेंके जाते हैं। देखा जाए तो एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को हमारी तरफ जोर से फेंकने के लिए डार्क मैटर ग्रेविटी यूज कर रहा है। पृथ्वी पिछले करोड़ों सालों से डार्क मैटर के इस बेहद डरावने इलाके से नहीं गुजरी है, लेकिन एस्ट्रॉइड की बढ़ती संख्या ये दर्शाती है कि हम फिर एक बार डार्क मैटर डिस्क की ओर बढ़ रहे हैं, और वो भी रफ्तार से। इसका अंजाम हमारी पृथ्वी के सर्वनाश से कम नहीं होगा। हम अपनी गैलेक्सी के प्लेन में ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी दोनों पीक्स को छूने के बीच का समय है 6,40,00,000 साल। अब इस समय को 2 से डिवाइड करें तो पृथ्वी पर 2 विनाशकारी घटनाएं सामने आती हैं। 6,60,00,000 साल पहले डायनासोर्स पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे, और उस वक्त 11 किलोमीटर के व्यास का एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया था। डायनासोर्स क्या करते, वो आकाश की ओर देखते रहे। इस विशालकाय एस्टेरॉयड को धरती की ओर आते उन्होंने देखा और नजारे का मजा उठाया। ये एस्ट्रॉइड चिक्सुलूब मेक्सिको के करीब टकराया। चिक्सुलूब का क्रेटर बहुत बड़ा है, इसकी चौड़ाई लगभग कनेक्टिकट स्टेट जितनी है। पृथ्वी पर इसका असर विनाशकारी था। ये विशालकाय रेप्टाइल्स जिन्होंने करोड़ों साल पृथ्वी पर राज किया था, चुटकियों में विलुप्त हो गए। इतनी बड़ी टक्कर के बाद आसमान में उड़ने वाली धूल और मिट्टी ने एक तरह से न्यूक्लियर विंटर जैसे हालात पैदा कर दिए, जिससे हर तरह के जानवर मारे गए। सबसे पहले पौधे मरने लगे, उसके बाद फूड चेन तबाह हो गया, और आखिरकार विशालकाय डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। फिर लगभग 3 करोड़ साल बाद इतिहास फिर एक बार दोहराया गया। एक और विनाशकारी एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया। साइबेरिया में बना पॉपेगाय क्रेटर इतना बड़ा है कि इसमें पूरा न्यूयॉर्क शहर 8 बार समा जाएगा। इस टक्कर से इओसीन एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें कई यूरोपीय प्रजातियां विलुप्त हो गईं। धरती का जियोलॉजिकल इतिहास समझने के लिए जमीन की परतें किताब के पन्नों की तरह काम आती हैं। ये हमें बताती हैं कि हर 3-3.5 करोड़ सालों में कोई बड़ा सा पत्थर हमसे टकराता है। चिंता की बात यह है, अब वक्त हो चुका है। साइंटिस्ट्स की कैलकुलेशन के अनुसार हमारा सोलर सिस्टम हर 3 करोड़ साल बाद खतरनाक डार्क मैटर डिस्क से गुजरता है, और हर बार जब ऐसा होता है तब पृथ्वी की ओर विनाशकारी एस्ट्रॉइड्स की बौछार होती है। और जाहिर है, पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने से जो गड्ढा बनेगा वो कुछ 6 किलोमीटर चौड़ा होगा, और उससे होने वाली तबाही वहाँ से 80 से 160 किलोमीटर दूर तक देखने को मिल सकती है। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उठी हवा की आंधी वॉशिंग मशीन्स जितने बड़े पत्थरों की बौछार करेगी, जिसमें 90% पेड़, इमारतें और पुल नष्ट हो जाएंगे। जमीन पर यह हमला भले ही विनाशकारी लग रहा हो, लेकिन एस्ट्रॉइड अगर पानी में गिरा तो इसका अंजाम और भी बुरा होगा। इतना समझ लीजिए कि हर दिशा में रेडियल सुनामी की लहरें उठेंगी। अगर आप इनकी चपेट में आ गए तो आप मारे जाएंगे। अब हम डार्क मैटर डिस्क में प्रवेश कर चुके हैं, तो साइंटिस्ट होने वाली तबाही से बचने की योजना बना रहे हैं। पहला तरीका वही है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब से सिर्फ इतना होगा कि वो एस्ट्रॉइड को कई खतरनाक टुकड़ों में बांट देगा। इन टुकड़ों का साइज इतना बड़ा होगा और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि न्यूक्लियर बॉम्ब के बावजूद ये धरती की ओर बढ़ते रहेंगे। ये एक मक्खी से एक बड़े जंबो जेट को रोकने जैसा होगा। इतना काफी नहीं होगा, लेकिन शायद बम उसकी दिशा बदल दे, जैसे पूल खेलते वक्त हम एक गेंद से दूसरे को मारते हैं। नासा इस संभावना की जांच कर रही है कि क्या ऐसे एस्ट्रॉइड को रास्ते से हटाना मुमकिन है। हम पहले भी स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को उड़ा चुके हैं 2005 में, तब नासा ने डीप इंपैक्ट नाम का एक मिशन लॉन्च किया था।
डीप इंपैक्ट का मिशन था 372 किलो वजनी कॉपर कोर को टेंपल वन कॉमेट पर दागना, ताकि इसकी सतह के नीचे का मटेरियल जांच के लिए हमें मिल सके। ये कॉपर कोर 37,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आगे बढ़ा और जब ये कॉमेट से टकराया तो ये कॉमेट को अपनी जगह से हल्का सा हिला दिया। हजारों लाखों मीलों के सफर में दिशा में हुआ हल्का सा बदलाव भी एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से दूर ले जाने के लिए काफी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन में हल्का सा बदलाव लाएं और हमने ये वक्त रहते कर दिया, तो जब तक ये पृथ्वी के करीब आएगा हमें छुए बगैर गुजर जाएगा। अगर हम पृथ्वी की ओर आने वाले एस्ट्रॉइड्स को जल्दी ढूंढ पाए और उन पर जोरदार वार करें तो शायद हम उन्हें दूर हटा सकते हैं। नासा पहले से ही इस तरह के एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। 2022 में जब डाइडेमोस बी पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला था, तब नासा के डार्ट मिशन ने उसे धक्का देकर उसका ऑर्बिट बदल दिया। ये लगभग स्पेस में पूल खेलने जैसा है, बस अगर शॉट सही लगा तो इनाम के तौर पर धरती बच जाएगी। लेकिन नासा के डिडीमोस मिशन में अभी समय है और इसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, और इस दरमियान हमारी ओर बढ़ने वाले एस्ट्रॉइड की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जल्द ही हम पर पृथ्वी तबाह करने की क्षमता वाले एस्ट्रॉइड्स की बरसात हो सकती है। अगर अगले कुछ सालों में हमें कोई बड़ी चीज पृथ्वी की तरफ आती दिखती है तो जरूरी नहीं कि हम उससे निपट सके। हो सकता है आज भी कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी को तबाह करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हों। ये क्यूरोसिटी ही है जिसने इंसानों को स्पेसशिप में बिठाकर एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोस में भेजने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन वो जो कुछ वापस ला रहे हैं वो सिर्फ साइंटिफिक जानकारी तक सीमित नहीं है। स्पेस में जीवन मौजूद है और उसका असर यहाँ पृथ्वी पर हम पर होगा। 2 मार्च 2016, स्पेस में 240 दिन बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली वापस घर लौटे, लेकिन डॉक्टर ये देखकर हैरान हैं कि इस सफर का उनके शरीर पर बुरा असर हुआ। हम सबसे फिट लोगों को स्पेस में भेजते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अव्वल दर्जे के एथलीट्स होते हैं। सबसे फिट लोगों में से एक पर स्पेस में जाने और कुछ दिन रहने से ही वो बीमार पड़ जाते हैं। केली 100% फिजिकली फिट है, लेकिन बाकी लोगों की तरह उनके शरीर के अंदर और बाहर भी हजारों तरह के जर्म्स मौजूद हैं। लेकिन जब वो स्पेस में पहुंचते हैं तो लगता है ये जर्म्स खतरनाक तरीके से म्यूटेट होना शुरू करते हैं। स्पेस में उनकी बॉडीज तेजी से ग्रो करती हैं। एस्ट्रोनॉट्स जितना लंबा समय स्पेस में गुजारते हैं प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि स्पेस में म्यूटेशंस और तेजी से होने लगते हैं। फिर भी स्पेस में और आगे बढ़ने के लिए हमें लंबे सफर तय करने होंगे। हम स्पेस में जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना ही ज्यादा हम बायोलॉजिकल बीमारियों का खतरा मोल लेंगे, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं म्यूटेट होकर खतरनाक बनते हैं। हर एस्ट्रोनॉट के शरीर में अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव होते हैं। इंसानी शरीर में इनका कुल वजन 2 किलो जितना हो सकता है। एक इंसान एक्चुअली एक स्पेसशिप की तरह ही होता है। हम एक वेसल, क्योंकि हम अपने साथ कई तरह के ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और हर तरह के माइक्रोबायल जर्म्स जो हमारे साथ हर जगह जाते हैं। जब आप किसी इंसान को स्पेस में भेजते हैं तो आप सिर्फ एक ही जीव को नहीं भेज रहे, आप पूरा इकोसिस्टम भेज रहे हैं। हमारे पेट में औसतन 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। हमारी त्वचा पर इनकी परत होती है और ये फेफड़ों में भी होते हैं। पृथ्वी पर इनमें से ज्यादातर घातक नहीं होते, कुछ तो बेहद जरूरी होते हैं। खाना पचाने में इनकी जरूरत है, इम्यून सिस्टम में इनकी जरूरत पड़ती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत काम आते हैं, लेकिन जब ये बदलते हैं या नहीं रहते तो हमें किसी न किसी तरह की बीमारी पकड़ लेती है। साइंटिस्ट शरीर में मौजूद इन मददगार एलियन जीवों को माइक्रोबायोम कहते हैं, लेकिन स्पेस में शरीर में मौजूद ये एलियंस दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें सुरक्षा देती है, लेकिन स्पेस में हमें सोलर विंड की रेडिएशन झेलनी पड़ती है, और ऐसी सिचुएशन में म्यूटेशन तेजी से बढ़ने की संभावना ज्यादा है।
आपके शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स बहुत ही जल्दी खतरनाक रूप ले सकते हैं। ये जो माइक्रोबायोम हम अपने साथ स्पेस में लेकर जा रहे हैं, ये वहां जाकर नुकसानदायक बन सकते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं। जब ये म्यूटेट होते हैं तो शरीर में मौजूद एलियन माइक्रोब्स हमें सिर्फ बीमार नहीं करते, साइंटिस्ट को पता चला है कि ये जीव हमारे दिमाग पर भी काबू पा सकते हैं। माइक्रोबायोम को लगभग दूसरा ब्रेन माना जाता है। शरीर में वो नर्व्स के जरिए ब्रेन से कनेक्शन बनाते हैं और हमारे इमोशंस और रिस्पॉन्स सिस्टम पर असर डालते हैं। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारी याददाश्त, हमारे फैसले, यहाँ तक कि हमारे दिमाग पर असर करके उसे काबू कर सकते हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि इस रिलेशनशिप में जो बैक्टीरिया है वो हमारे मास्टर हैं और हो सकता है वो पूरी ह्यूमन रेस को अपने इशारों पर नचा रहे हों। म्यूटेंट स्पेस वायरसेस एक अलग इंसानी बिहेवियर को जन्म देंगे जो पहले कभी पृथ्वी पर देखा नहीं गया। हम नहीं चाहेंगे कि स्पेस में ऐसा हो, वहाँ सिर्फ एक क्रू मेंबर के बेकाबू होने से पूरा मिशन फेल हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को अच्छे जर्म्स देने के तरीके खोज रहा है, लेकिन अब तक उसकी कोशिशें बेअसर और घिन आने वाली है। डॉक्टर्स ने पता लगाया है कि वो माइक्रोबायोम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो कि होता है फीकल ट्रांसप्लांट के जरिए। इसमें एक तंदुरुस्त डोनर के स्टूल का सैंपल लेकर किसी बीमार को इंजेस्ट करवाया जाता है। आप खुद सोचिए, किसी का मल किसी के लिए दवा बन जाता है और आप उस पे स्वाद अनुसार जितनी चाहे केचप डाल सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ह्यूमन एक्सक्रीमेंट खिलाना एक ऐसा तरीका है जो बुरे बैक्टीरिया से लड़ सकता है, लेकिन नासा के पास म्यूटेंट पैरासाइट से एस्ट्रोनॉट्स को बचाने का कोई तरीका नहीं है। इंसान का शरीर बैक्टीरिया की 350 से ज्यादा जानी पहचानी स्पीशीज का घर हो सकता है। मलेरिया जैसे सिंगल सेल प्रोटोजोआ से लेकर बड़े मल्टी सेलुलर टेप वर्म्स तक, जो आपके मसल्स, त्वचा, आंखें या दिमाग में भी घुस सकते हैं। इनमें से कुछ बेहद आक्रामक हैं, वो आपके पेट में जाकर सेटल हो जाते हैं और वहाँ अंडे देते हैं। क्या होगा अगर वो म्यूटेट करने लगे, उनका आकार पहले से ज्यादा बढ़ जाए? अगर ये सब हुआ तो आपका क्या हाल होगा? आप बस देखते रह जाएंगे और ये पैरासाइट शरीर में बढ़ते रहेंगे और फैलते रहेंगे। हो सकता है कि ये म्यूटेट हो जाएं और ज्यादा खतरनाक बन जाएं। इसका अंजाम बहुत डरावना हो सकता है, जैसे साइंस फिक्शन कहानियों में होता है, जहां एलियंस आपके शरीर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर निकलते हुए आपको खा लेते हैं। ये बहुत डरावना मंजर होगा। जेटा रेटिकुली एक ट्विन स्टार सिस्टम है जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर है। कुछ लोगों को शक है कि स्पेस एजेंसीज इस सिस्टम के बारे में जितना बता रही हैं, उससे कहीं ज्यादा जानती हैं। अब 1996 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनाउंस किया कि उन्हें जीटा रेटिक्यूले बाइनरी स्टार सिस्टम में एक प्लैनेट मिला है, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने ये जानकारी पब्लिक डोमेन से हटा दी। इस टॉपिक को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि इस स्टार सिस्टम में प्लैनेट है या फिर नहीं है। कुछ लोग इसका संबंध 1961 में अमेरिका में हुई एक घटना से जोड़ते हैं। बेटी हिल एक सोशल वर्कर है, उनके पति बानी पोस्टल सर्विस के लिए काम करते हैं और सिविल राइट्स पर काम करने वाले कमीशन के लोकल बोर्ड पर हैं। रात को जब वो अपने घर न्यू हैम्पशायर जा रहे थे, उन्हें आसमान में एक लाइट नजर आई। वो मून नहीं है, वो मून नहीं हो सकता, ना ही वो प्लेनेट वीनस है। और वो लाइट हिल रही थी, लग रहा था जैसे लाइट सिर्फ एक तरफ है, क्योंकि उन्हें लाइट बस टिमटिमाती हुई दिख रही थी। हिल्स के मुताबिक इससे पहले कि वो भाग जाते, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज से कार वाइब्रेट होने लगी और उन्हें अपने शरीर में अजीब सी झनझनाहट महसूस होने लगी। लगा जैसे एक पल ही बिता हो, लेकिन वो हाईवे पर 56 किलोमीटर आगे निकल आए थे। जब उन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो 3 घंटे बीत चुके थे। ये वक्त कैसे बीता? अब सवाल ये है कि उन कुछ घंटों में आखिर हुआ क्या था? ।1961 में अमेरिकन कपल बेटी और बानी हिल को आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी और अगले 3 घंटे में क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। बेटी ने इस घटना की जानकारी पीज एयर फोर्स बेस को दी।
इस घटना को एयर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजीब डरावने सपने देखने के बाद पति पत्नी दोनों को बेंजामिन साइमन नाम के हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भेजा गया। हिप्नोसिस के दौरान साइमन ने हिल्स को उन खोए 3 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसे याद करने को कहा। और उन्होंने जो कहानी बताई उस पर यकीन करना मुश्किल है। बेटी और बार ने दोनों को एक स्पेसक्राफ्ट पर ले जाया गया और उस स्पेसक्राफ्ट पर एलियंस मौजूद थे। उन्होंने बेटी और बार ने दोनों के शरीर से डीएनए निकाला और रिप्रोडक्टिव मटेरियल भी निकाल दिया था। बार्नी और बेटी ने एलियंस का जो वर्णन किया था उसने एक नया अध्याय खोल दिया। लोग आमतौर पर इन एलियंस का हुलिया, बल्ब जैसा बड़ा सर, ग्रे स्क्रीन और बड़ी आंखें, छोटा नाक और मुंह ऐसे बताते हैं। उनकी दो बाहें होती हैं, दो हाथ, दो पैर और ये एलियंस बिल्कुल आम इंसानों की तरह चलते हैं और काम करते हैं। इस स्पीशीज को आमतौर पर ग्रेज कहते हैं। ग्रेज 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 एलियंस द्वारा किए गए अपहरण के 43% मामलों में से लोग इसी स्पीशीज का वर्णन करते हैं, ग्रे का। बेटी हिल और उनके पति उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने एक ग्रे से मिलने का और उसके द्वारा एग्जामिन होने का दावा किया था। बेटी का एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद वो एक एलियन के साथ अकेली थी जिसे वो लीडर कहती है। बेटी ने वाकई उस हेड ग्रे से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? ये सवाल पूछते ही उसने बेटी को एक 3-डायमेंशनल मैप दिखाया। और हिप्नोटिक अवस्था में होते हुए बेटी ने एक स्टार मैप बनाया। बेटी ने कुछ सर्कल्स और डॉट की सीरीज ड्रॉ की। इन 12 डॉट्स के बीच लाइंस है जो बेटी के मुताबिक ग्रेस की ट्रेड रूट्स दिखाती है। तो अब हिप्नोसिस से बाहर आने के बाद उनके पास स्टार मैप के रूप में एक फिजिकल रिकॉर्ड है जो शायद उस एलियन ने उसे दिखाया था। लोग बेटी का मजाक उड़ा रहे थे, ओह ऐसे स्टार्स तो है ही नहीं, ये बेवकूफ है। प्रॉब्लम ये थी कि पृथ्वी से दिखने वाला कोई भी स्टार पैटर्न उस तस्वीर की तरह नहीं था जो उसने बनाई थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में तेजी से तरक्की हो रही है। 8 साल बाद एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर मार्जरी फिश ने हाल ही में रिलीज हुई ग्लीज स्टार कैटलॉग की मदद से बेटी के स्टार मैप की जांच करने का फैसला किया। तो 70 के दशक की शुरुआत में साइंटिस्ट्स आसपास के तारों की दूरी मापने में कामयाब हो गए थे। मार्जरी फिश ने इस जानकारी का इस्तेमाल हमारे सन के आसपास के इलाके का 3D मैप तैयार करने के लिए किया। फिश मानती है कि ग्रे का 3D मैप पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट से दिखने वाला नजारा दिखाता है। उन्होंने अपने 3D मॉडल के साथ बेटी के डॉट्स के पैटर्न की तुलना करने में पूरे 5 साल बिता दिए इस उम्मीद में कि उन्हें ग्रे के प्लेनेट की लोकेशन मिल जाएगी। उसने ये जानकारी इस्तेमाल की और अलग अलग एंगल से स्टडी करती रही, वो भी तब तक जब तक कि उसे वो कड़ी नहीं मिली जो हिप्नोसिस के दौरान बनाए मैप को और उसके बनाए स्टार्स स्कल्पचर्स को जोड़ती है। और इसी तरह उसे पता चला कि स्टार मैप की 2 मेजर डॉट्स जिटा रेटिकुलाय हो सकते हैं और उसी पर फिश को एहसास हुआ कि बेटी ने इन्हीं स्टार्स की तस्वीर बनाई थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस खोज को एस्ट्रोनॉमी मैगजीन में पब्लिश किया गया। लेकिन हिल्स द्वारा बताए गए ग्रेस के हुलिये और बेटी द्वारा बताई गई उनकी लोकेशन के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने इन दावों को खारिज कर दिया। इससे यह साबित होता है कि अगर आप रैंडम डॉट्स के ढेर सारे कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो आपको रैंडम डॉट्स का एक और कलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को ये रैंडम डॉट थ्योरी मंजूर नहीं है। बेटी का स्टार मैप बिल्कुल ही बेसिक है, लेकिन ये मुमकिन है कि ये वाकई जेटा रेटिकुली को दर्शाता है। ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। अगर ये मैप सही है, अगर ये वाकई में सही है, तो ये मानव इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट मैप है। बेटी और बार्नी की कहानी का सच जो भी हो, कई लोगों के लिए जेटा रेटिकुली हमारी कल्पना में एलियंस का असली घर बना रहेगा, कम से कम जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चल जाती। नाउ कोहली इज ऑन स्ट्राइक, देखना अभी पुलिस 6 मारेगा। अच्छा तो मैं अपनी बेची दी हूँ 4 अभी पे। And you know what? IPL के एंड तक मैं BMW, iPhones और लैपटॉप पर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकती हूँ।
If you're a true cricket fan, then sign up on Forabet and place your bet now.